हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वात्सल्या। आज हम बनाएंगे हिमाचल की बहुत ही ट्रेडिशनल डिश सिड्डू, जो कि अपर हिमाचल में बहुत पसंद की जाती है। उसको कैसे बनाते हैं आज हम सीखते हैं बनाना, व्हीट फ्लावर से, गेहूं के आटे से कैसे बनाएंगे। उसके लिए पहले हमें डो बनाना पड़ेगा। मैंने लिया है व्हीट फ्लावर, ये इतना बोल, ये एक बोल लिया है मैंने। थोड़ा सा सॉल्ट लिया है और ल्यूक वॉर्म मिल्क लिया है मैंने। आप इसकी जगह ल्यूक वॉर्म वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम आटे का डो मिल्क से ही बनाती हूँ। और उसके लिए हमें चाहिए ड्राई ईस्ट, जो कि मार्केट में आपको ईज़िली अवेलेबल होगा। उसको हमने क्या करना है, इतने से ये डो बनाने के लिए हमने ये ईस्ट डाला है। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी, और इसमें अगर आप चाहें तो ल्यूक वॉर्म वाटर भी ऐड कर सकते हैं और मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। इसको हमने 5 और 10 मिनट्स के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देना है। फर्मेंटेशन का कैसे पता चलेगा, जब इसमें अच्छे से बबल्स आ जाएंगे तब हमारा ये जो ईस्ट है ये फर्मेंट हो चुका होगा। चलिए अब शुरू करते हैं डो बनाना। इसको हमने आटे को छान के डाल दिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, और ये देखिए ईस्ट जो है वो अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। इसको हमने ऐसे डाल देना है। अगर तो आपने सिड्डू मॉर्निंग में बनाने हैं ब्रेकफास्ट में, तो आपने आटे को रात को ही डो बना के आटे का रख लेना है। और अगर आपने शाम के टाइम खाने हैं तो आप मॉर्निंग में भी आटे का डो बना के रख सकते हैं। इसको 5 और 6 आवर लगेंगे आटे को फर्मेंट होने के लिए। इसको ईस्ट को हमने अच्छे से आटे में मिक्स कर देना है। अगर तो आप रात को आटे का डो बना के रख रहे हैं तो ये जो ड्राई ईस्ट है इसकी क्वांटिटी आप कम डालिएगा, क्योंकि ये फिर होल नाइट के लिए हम लोग इसको रखेंगे। और अगर आपने दिन में बनाने हैं तो इसको 5 और 6 आवर रखते हैं आटे को फर्मेंट होने के लिए। और अगर आप कोल्ड प्लेस में रह रहे हैं तो फर्मेंटेशन थोड़ी सी लेट होगी, तो ड्राई ईस्ट आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए। और अगर आपके यहाँ मौसम ठीक है तो ड्राई ईस्ट की क्वांटिटी आप कम रखिए। पर इसको बनाते हैं हम लोग ऑलवेज ल्यूक वॉर्म वाटर से या ल्यूक वॉर्म मिल्क से। ये हिमाचल की एक ट्रेडिशनल डिश है। फर्मेंटेशन के टाइम हमने थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको देख लेना है। आटा जो है वो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर खट्टे सिड्डू जो हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आटे में आप ईस्ट मिलाते हैं, उस टाइम भी, और जब आपके आटे में फर्मेंटेशन होगी उस टाइम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा फर्मेंटेशन के टाइम आटा खट्टा हुआ है या नहीं। बहुत ज़्यादा खट्टा आटा अच्छा नहीं लगता है।
ये देखिए आटे का एक सॉफ्ट सा डो बनके तैयार हो गया है। हमने इसको ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है। ये इस तरीके से होना चाहिए, इस ऐसे बस इस तरीके से। अब हमने इसमें थोड़ा सा तेल लगाकर इसको एक बड़े बर्तन में रख देना है, क्योंकि जब आटा फर्मेंट होगा तो ये थोड़ा सा फूलेगा भी। इसको हमने ये कपड़े से ढक दिया है, हमने इसको हमने किसी गर्म प्लेस पर रखना है। कपड़े से हमने आटे को ढक दिया है और इस तरीके से एक शॉल नीचे रख दी है नीचे, और इसको सारी तरफ से हमने ढक देना है जिससे कि इसमें एक गर्माइश जो है वो आटे में रहे और आटा जल्दी से फर्मेंट हो जाए। ये हमारे यहाँ बहुत ठंड है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप एक कपड़े से भी ढक के इसको 5 or 6 hours के लिए रख सकते हैं। एक बोल आटे का डो बनाने के लिए इतना सा ही मिल्क यूज़ हुआ है। मैंने पूरा पूरे पतीले में दूध लिया था पर इतना सा ही दूध यूज़ हुआ है, और वाटर भी इतना सा ही यूज़ होगा अगर आप ल्यूकवॉर्म वाटर यूज़ कर रहे हैं तो। अब हमने जो सिडुओं में फिलिंग भरनी है उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे ज़रूरी है इसमें वॉलनट, अखरोट, इनको मैंने 2 या 3 घंटे पहले पानी में भिगो के रख लिया था। उसके बाद खसखस, पोस्त जिसको बोलते हैं, उसको भी मैंने पानी में भिगो के इस क्वांटिटी में रख लिया था। उसके बाद हमने डालने हैं इसमें सेसमे सीड, तिल, जिनको कि हमने भून के डालना है, ये रखे हैं हमने तिल, जीरा, ग्रीन चिल्ली, गार्लिक और जिंजर और सॉल्ट। सब हमने स्टार्ट करना है, पहले सेसमे सीड को हमने रोस्ट कर लेना है। इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा ही रोस्ट करना है। ये देखिए तिल जो हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। अब हमने इसको मिक्सी के जार में डाल देना है। इसमें आप ये जो फिलिंग बनाएंगे इसमें आप कोई एक चीज़ स्किप भी कर सकते हैं, या पोस्त को स्किप कर सकते हैं, या तिल को स्किप कर सकते हैं, बट इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अखरोट, वॉलनट। इसको मैं स्ट्रेन कर लेती हूँ। ये डाल दिया मैंने पोस्त, इसको खसखस भी बोलते हैं, ये डाल दिया। इसमें डालेंगे हम क्यूमिन सीड्स, ग्रीन चिल्ली, चिल्ली अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, गार्लिक, जिंजर, सॉल्ट,
और वाटर। इसको ज़्यादा लिक्विड भी नहीं करना है, थोड़ा सा सॉलिड रखना है क्योंकि हमने इसकी फिलिंग बनानी है। इसलिए ये अभी हम लोग इसको एक बार फिर से चलाएंगे मिक्सी में। ये देखिए, ये इसकी फिलिंग हमारी, ये सिड्डू की फिलिंग रेडी हो गई है। इसको हमने बोल में बदल लेना है, एक में। अब हम बनाएंगे सिड्डुओं के साथ खाने वाली अखरोट की चटनी, जो कि अपर हिमाचल में सिड्डुओं के साथ खाई जाती है और ये बहुत फेमस चटनी है। उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वॉलनट्स, अखरोट, क्यूमिन सीड्स, जीरा, गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिल्ली, कर्ड, सॉल्ट, कोरिएंडर लीव्स और एक लेमन। चलिए स्टार्ट करते हैं चटनी बनाना। ये मिक्सी में डाल दिए हमने अखरोट, इसके बाद डालेंगे हम, ये मैंने वही वाली मिक्सी यूज़ की है जिसमें फिलिंग बनाई थी। अगेन सॉल्ट एंड चिल्ली अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये डाल दिया जीरा, क्यूमिन सीड्स, सॉल्ट, और डालेंगे हम कर्ड। जो हमने फिलिंग बनाई थी वो थोड़ी थिक थी और हमने जो ये चटनी बनानी है वो चटनी की तरह थोड़ी सी पतली बनाएंगे, तो इसलिए हमने ये डाल दिया इसमें कर्ड। कर्ड, ये जो कर्ड हम यूज़ कर रहे हैं ये टेस्ट को चेंज करने के लिए है। आप इसमें कर्ड के साथ थोड़ा सा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए चटनी रेडी है। अगर आपको ये चटनी थोड़ी सी थिक भी लगती है तो नो प्रॉब्लम, आप इसमें कर्ड या वाटर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको और खट्टी खानी है ये चटनी तो आप इसमें लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी कोरिएंडर लीव्स। इसको एक बार फिर से पीस लेते हैं। और थोड़ा सा लेमन जूस। ये देखिए
चटनी रेडी है और इस चटनी को आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं और ये इतनी टेस्टी चटनी है, आप इसको आई थिंक आप इसको अपने डेली खाने में यूज़ कर सकते हैं। अब ये 4 आवर्स हो चुके हैं डो को बनाए हुए। ये देखिए, ये देखिए, ये आटा रेडी हो गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आटे को ज़्यादा खट्टा नहीं करना है, बस हमें इस तरीके का आटा सिड्डू बनाने के लिए चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं सिड्डू बनाना। उसके लिए हमने पहले सिड्डू का बर्तन तो मेरे ख्याल से आजकल सबके घर में होगा, जिसमें कि हम लोग मोमोज भी बनाते हैं, उसी बर्तन में हम लोग सिड्डू बनाएंगे। उसके लिए हमने पानी गर्म कर लिया है, उसके ऊपर रखेंगे ये वाला बर्तन और अब हम सिड्डुओं की फिलिंग शुरू करते हैं। इस आटे में से हम लोगों ने पहले थोड़ी सी इसकी ये जो हवा भरी होती है इस डो में उसको निकाल लेंगे। हमने आटे को इस तरीके से मोड़ना है कि ऊपर की साइड से ये आटा सॉफ्ट रहे। ये आटे का जो ये हिस्सा है, ये जब हम फिलिंग डालेंगे तो आटे में कहीं से भी क्रैक्स नहीं आने चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी, जिस तरीके से हम भटूरे बनाते हैं उस तरीके से भी हाथ से भी बेल सकते हैं, अदरवाइज बेलन से भी थोड़ा सा इसको बेल सकते हैं। अब हम भरेंगे इसमें फिलिंग। ये डाल दी हमने इसमें फिलिंग, ये इस तरीके से हमने इस फिलिंग को पूरे ये जो हमने भटूरा बनाया है इसमें फैला देनी है और इसको हमने इस तरीके से बंद कर देना है। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। अब इसको इसमें डाल देते हैं। मैं आपको दोनों शेप में बनाना बता देती हूँ। ये बनाएंगे हम गोल शेप में। इस तरीके से हम फिलिंग भरेंगे और इसको गोल शेप दे देंगे। इसको भी हम यहाँ पर, आपने एक डिब्बे में मैक्सिमम 2 ही सिड्डू डालने हैं क्योंकि ये फूलते भी हैं। इसको अब हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। पानी हमने पहले गर्म कर लिया था, अब जब हमने सिड्डू का इस बर्तन का ढक्कन बंद करना है तो जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है। ये देखिए सिड्डू बन के तैयार हो गए हैं। मैंने गैस बंद कर दी है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। सिड्डू डालने से पहले आपने इस बर्तन को थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस भी कर लेना है।
अब मैं आपको इसको काट के बताती हूँ। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने से ही। आप इसको अखरोट की चटनी के साथ खाइए, देसी घी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, या जो ग्रीन चटनी घर में पड़ी हो उसके साथ खाइए। ये बहुत ही टेस्टी हिमाचली डिश है, आप इसको ज़रूर बना के एक बार देखिएगा और खाइएगा। आई एम श्योर यू विल लाइक दिस रेसिपी। अब इसके बाद हम लोगों ने मीठे वाले सिड्डू भी बनाने हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मैं मीठे सिड्डू कब बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए ये दोनों तरह के सिड्डू मैंने आपको बना के बता दिए हैं। आप इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।